एनसीआर से नीट तक के सफर के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू बायो ग्रो बीना राव चैनल एंड अटेंड दिस स्पेशल क्लासेस डेली एट 11 एम गुड मॉर्निंग बच्चों वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दिस इज बीना राव आई वेलकम यू ऑल टू बायो गुरु बीना राव बच्चे बायो गुरु के प्लेटफॉर्म पे दो सुपर ऑसम सीरीज चल रही हैं जिससे आपकी तैयारी 2021 की एकदम थ्री टू फोर फॉल्ट्स बढ़ जाएगी मॉर्निंग में वी हैव एमसीक्यू अलर्ट्स ऑफ एनसीईआरटी, जिसमें हम एन की लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए लास्ट टेन ईयर की क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं 2010 से लेकर के 2020 तक के एंड कल ही आपकी एक सुपर अमेजिंग सुपर डुपर अमेजिंग सीरीज लॉन्च हुई है फुल लेंथ सिलेबस टेस्ट जो होगी इवनिंग में पाँच बजे कल गूगल डाउन हो गया था इस वजह से कोई भी यूट्यूब की क्लास या जी नहीं चल पा रहा था कल का दिन अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन था हिस्टोरिकल टोटली totally हिस्टोरिकल यार मैं कल मॉर्निंग में ही पढ़ रही थी कि साइबर हैकिंग की न्यूज काफी आ रही है एंड इवनिंग में ही दिस एपेंड तो आई थोट की वर्ल्ड ग्रो तो कर रहा है यार कोविड हो चाहे कुछ हो ग्रो तो हम कर रहे हैं गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग डॉक्टर सैम प्रिंसेस आयत फ्यूचर डॉक्टर ल्यूसीफर अंजली डॉक्टर शब्बान तो बच्चों इवनिंग में आज आपका टेस्ट कॉन्टिन्यू हम करेंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम ऐड कर देंगे वी विल डू फोर्टी फाइव क्वेश्चन इन वन आवर आपके पास वन आवर का टाइम है जिसमें हम फोर्टी फाइव क्वेश्चन करेंगे ऑन डेली बेसिस ट्रस्ट में दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी जिससे आप अपने क्वेश्चन का स्केल क्वेश्चन करने की एफिनिटी को अपने स्केल को आप बढ़ा सकते हो सारे आंसर ठीक थे कल बहुत बढ़िया शाबाश मोहम्मद गुड मॉर्निंग रंजनंदा वेरी 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 गुड मॉर्निंग राइट प्लस प्लस आई हैव वन मोर सुपर अमेजिंग न्यूज फॉर यू पीपल व्हिच इज जो हमारी एमसीक्यू सी अलर्ट ऑफ एंसर सीरीज है इसमें भी थोड़ा सा हम ट्विक करेंगे अब हम ट्विक में क्या करने वाले होंगे मेन मुद्दा क्या है मेन मुद्दा है कि हमको 2010 से 2020 तक के सारे क्वेश्चंस को करना है सॉल्व अभी मैं क्या कर रही थी आपको टेक्स्ट पढ़ाती थी फिर क्वेश्चन सॉल्व कराती थी बड़े आराम से नवाबों की तरह बैठ के तुम रज़ाई में घुस करके सुन रहे होते थे कि यस ये लाइन है ये लाइन है फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन कर रहे कर रहे होते थे अब इसको थोड़ा सा रिवर्स कर देते हैं रिवर्स में क्या करेंगे पहले आप क्वेश्चन करेंगे एफ्टर ये क्वेश्चन किस लाइन से आया था उसके बाद में एनसीआरटी की लाइन को एक्सप्लेन करूंगी हां जी हां जी तो ये थोड़ा ट्रिक हम करने वाले हैं आज ही की कक्षा से पहले करोगे सवाल फिर एनसीआरटी में करोगे मार्किंग जस्ट ऑपोजिट मैम इससे फायदा क्या होगा इससे फायदा ये होगा जो शीत लहर चल रही है उसकी वजह से जो थोड़ा लथार्ज से तुम में आ चुकी है कि आराम से बैठ के सुन रहे हैं वो थोड़ा एक्टिव लर्निंग में कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिव लर्निंग में क्वेश्चन करोगे पहले तो थोड़ा अपने ज्ञान चक्षु पे जोर डालना पड़ेगा है ना है ना सैम चलो जी ऐसे कर लेंगे बिल्कुल बिल्कुल तो यार फटाफट से शेयर क्यों नहीं करते हो फटाफट से शेयर कर दो क्लास को अपने सभी फ्रेंड्स को बुला लो आज पहले क्वेश्चन फिर होगा टैक्स क्वेश्चन टैक्स क्वेश्चन टैक्स ऐसे हम लोग करने वाले हैं आज ही की कक्षा में हां जी फटाफट से बुला लो अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दो इसको अपने सभी सोशल मीडियाज में मेन वाई लेट मी टेल यू कल की कक्षा का होमवर्क क्वेश्चन का आंसर किस बच्चे ने परफेक्टली करेक्ट दिया था तो वी है वो कल की कक्षा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन देखिए देखिए कौन से बच्चे एकदम सुपर सीरियस वाले बच्चे मेरे सुपर सीरियस वाले मेरे बच्चे जाहिदा वेरी गुड अनोनमस पर्सन बड़े दिन बाद तुमने आज क्वेश्चन का आंसर किया है पहले एकदम रेगुलर था अब थोड़ा सा तुम नलायक होते जा रहे हो डॉक्टर शुभान वेरी गुड प्रियंका सुमन यास्मीन परफेक्ट क्रिएटर राहुल वेरी गुड एस कुमार रवि शाबाश स्वाति रेड्डी वेरी गुड एम डी वसीम खान वंश शर्मा भाई ये तो हमारा बच्चा एकदम सुपर डुपर ऑसम है मेघा वेरी गुड आयत बहुत, बहुत बहुत शाबाश बच्चे खुश रहो बहुत बढ़िया जैन अंसारी मोहम्मद केथावत श्रेया शर्मा गोपाल सिंह अंजलि सोनी मिश्रा भुवन पी रंजू नंदा मिस्टर कुमारी एंड लूसिफर लुसिफर द एंड ऑफ बायोलॉजी हां जी भाई मैं एकदम मस्त हूँ शर्मा एकदम सुपर ऑसम तुम लोग बताओ ठंड स्टार्ट हो गई है किस किस की यहाँ पे अच्छे वाली ढंडी स्टार्ट हो चुकी है शीत लहर स्टार्ट हो चुकी है रहमान नॉट ए प्रॉब्लम बच्चे अगर आप एबसेंट थे तो आप अब उस क्लास को देख सकते हो हालांकि लाइव क्लास लोगे तो उससे आपको फ़ायदा अच्छा होगा लाइव क्लास में आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हो हम इंटरेक्ट कर सकते हैं वी फील लाइक अ फैमिली बाय अगर उनकी पूरी फैमिली ये बन चुकी है सब बच्चों के नाम मुझे याद हो चुके हैं बच्चे भी मेरे बोलने से पहले ही समझ जाते हैं कि मैम ये बोलने वाली है है ना तो तो एक बेटर कनेक्टिविटी एक बेटर इकोसिस्टम के लिए वन शर्मा टेन डिग्री है तेरे यहां पे। तो किसको प्रॉब्लम हो रही है ठंड में पढ़ाई करने में कोई है बच्चा जिसको प्रॉब्लम हो रही है ठंड में पढ़ाई करने में शीतलहर शुरू हो चुकी है शीतलहर कोई है बच्चा मीन फटाफट से सारे बच्चे अपने फ्रेंड्स को भी बुला लो यस हेलो अनोन पर्सन हाउ आर यू बच्चे फातिमा स्टार्ट हो चुकी है स्टार्ट हो चुकी है गाजर के हलवे वाला सीजन आ चुका है आराम से मम्मी प्लेट में परोस रही होगी गाजर का हलवा आह हल्दी वाला गरम दूध यस यस बहुत बढ़िया <laughs> यस यस शीतलहर ठंडी वाली चलो चलो बच्चों तो एक छोटी सी एक टिप दू छोटी से टिप इस शीतलहर वाले मौसम में ये मत सोचना बिल्कुल भी कि इस टाइम को आप स्किप कर दोगे इस टाइम को आप मिस कर दोगे बिल्कुल भी मिस नहीं करना है इस टाइम को राइट इस टाइम को भी आपको इफेक्टिवली यूज़ करना है आपके एग्ज़ाम में वैक्सीन भी आ चुकी है यार वैक्सीन बहुत जल्दी इंडिया में भी उसके ट्रायल्स होने वाले हैं तो मोस्ट लाइकली आपका एग्ज़ाम मे में हो जाना चाहिए ये ऐसे स्पेकुलेशनस है तो अगर मे में, में एग्जाम हो जाएगा तो टाइम काफ़ी कम बचा है शीतलहर के मज़े मत लो है ना ये, ये देखो ये देखो रोज़ नहाने वाले दिन भी गए मैम ये देख रहे हो ये क्रिएटिविटी देख रहे हो डीओ <laughs> लगाने वाले दिन आ गए मैम है ना तो बच्चों इस टाइम को बिल्कुल मिस नहीं करना है जब भी आपको लगता है कि यस थोड़ा लथार्ज आ रही है थोड़ा सा बोरियत सी फील हो रही है फटाफट से उठ जाया करो स्टडी टेबल पर बैठ जाया करो रिमेंबर फाइव सेकेंड रूल फाइव फोर थ्री टू वन एंड रॉकेट की तरह लॉन्च हो जाओ फटाफट से अपनी स्टडी टेबल को रखो सामने स्टडी टेबल पे बैठ करके पढ़ाई करो मत सोचो रज़ाई वजाई से तो दूरी बना करके रखो सोतन है बिल्कुल रजाई अपनी राइट right? छोटी सी ब्लैंकेट अगर है उसको पैरों पे डाल लो बस दैट सॉन है ना तो जिस टाइम में सब लोग थोड़ा रथार्थिक है तुम लोग एकदम सुपर सुपर एनर्जी वाले बच्चे हैं मेरे बाय गुरु के तो तुम लोग सुपर एनर्जी के साथ में अपनी क्लासेस करते रहो एंड 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 क्लासेस के साथ साथ में अपना कंटेंट भी स्ट्रॉन्ग करते रहो अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगाते रहो यस एवरीवन चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की कक्षा बच्चों जल्दी से आ जाओ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे जितने भी सवाल आए हैं वो सब क्वेश्चन हम करेंगे सब क्वेश्चन हम करेंगे राइट right? राइट right? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, बच्चे एट गियर चलो शाबाश तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन फिर टैक्स मिलने वाला है आज बच्चों को पहला सवाल है आपका 2010 का ब्रेन पे थोड़ा सा थोड़ा सा फोकस करो थोड़ा फोकस करो थोड़ा सा प्रेशर बनाओ अपने ज्ञान पे कि करेक्ट करके दिखाना है आज मैम को हाँ जी हाँ जी सेटेलाइट डी एन ए इज यूजफुल टूल इन यार ए बी सी डी मत लिखो बच्चों प्लीज है ना ए बी सी डी मत लिखो बिल्कुल भी आप लोग पूरा आंसर लिखो एक्टिव रहोगे है ना आराम से लेटे लेटे ए आंसर बी आंसर बिल्कुल नहीं चलेगा ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा डॉक्टर शबान यस यही जोश मांगता है अपन को यही जोश सेटेलाइट डी इज यूजफुल टूल इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सेक्स डिटर्मिनेशन फोरेंसिक साइंसेस या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग हाँ जी फॉरेंसिक जेनेटिक फॉरेंसिक जेनेटिक अब आएगा ना मजा तुम्हारे आंसर पढ़ने में मैम पढ़ा देती है फिर तो हलवा लगता है क्वेश्चन को करना पढ़ावट पढ़ से मैम एक सेकंड में हम आंसर कर देते अब तो आएगा मजा है ना फोरेंसिक जेनेटिक इंजीनियरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉरेंसिक 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 ग्रेट देखिए आंसर क्या है आंसर इज फॉरेंसिक साइंसेस मतलब स्पेसिफिकली अगर मैं आपको बताऊं, तो सारे जेनेटिक इंजीनियरिंग वाले बच्चे फटाफट से अपनी बालकनी से शीतलहर दो सेकंड के लिए फील करके आओ शीतलहर फील करके आओ दो सेकंड के लिए ज्ञान चक्षु हो जाएंगे एकदम ओपन तो बच्चे फोरेंसिक साइंस विच इज योर बेसिकली अगर हम बात करें आपके जो डीएनए uh, फिंगर प्रिंटिंग का प्रोसेस है जो आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग फिंगर प्रिंटिंग का प्रोसेस है दिस इज दिस इज आल्सो फोरेंसिक साइंस हाँ जी तो मैम ने क्यों पूछा था शीतलहर के बारे में इसीलिए ताकि जो भी क्वेश्चन गलत करो फटाफट से भाग करके कोई दरवाजा खिड़की जहां से शीतलहर के कंप्लीट कांटेक्ट में हो जाओ दो सेकंड के लिए फील करो फिर वापस आ जाओ फिर वापस आ जाओ आयत बच्चे इसलिए डीएनए एन डीएनए फिंगर प्रिंटिंग फिंगर प्रिंटिंग की वजह से सुनो आ, अभी रिसेंटली एक सीरियल आया था असुर असुर देखा आप बच्चों ने असुर पूरे असुर, असुर सीरियल के अंदर आपको इतना ज़्यादा यूज दिखाया हुआ है फोरेंसिक साइंसिस का कि किस तरीके से फोरेंसिक साइंस वाले जो साइंटिस्ट होते वो वर्कआउट कर रहे होते किसी भी केस को लेकर के सी का केस है बट वो उसको फाइंड आउट करने में कैसे हेल्प कर रहे होते हैं है ना है ना कितावत ठंड नहीं है बच्चे तो फिर वॉशरूम में जाकर के पानी में पानी यूज वाटर हां जी यूज वाटर यस 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 एवरी वन तो बच्चों सेटेलाइट डीएनए का यूज किया जाता है आपके डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या होती है असुर के बारे में आपको बता रही थी तो असुर में बच्चों आपको uh, ये देखो सीआईडी से बाहर ही नहीं आ रहे कत देसी बच्चे हमारे सी कब की चली है यार सी से ऊपर तो इतनी सारी चीज़ें आ चुकी हैं यस yes, तो असुर में पूरा यही दिखाया हुआ है कि कैसे किसी भी केस को एनालाइज करने के लिए वो पूरा फिंगर प्रिंटिंग की हेल्प लेते हैं डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प लेते हैं टू तो फाइंड आउट कि केस में एक्चुअली क्या हुआ होगा वो पूरा थ्योरीज जनरेट करते हैं कि यस ये हुआ होगा फिर ये हुआ होगा फिर ये हुआ होगा तो यार ऑब्वियसली आपके जो फिंगर प्रिंट्स होते हैं दे आर वेरी यूनिक मेरा बिल्कुल डिफरेंट है आपसे अगर हमारा सिमिलर हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए अम्बानी का फिंगर प्रिंट और मेरा फिंगर प्रिंट एकदम सिमिलर मज़ा आ जाएगा मज़ा ही आ जाएगा सारी प्रॉपर्टी उसकी मैं हथिया ही लूँगी है ना है ना है ना बच्चों तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं ऐसा पॉसिबल है ही नहीं फिंगरप्रिंट बिल्कुल डिफरेंट होते हैं हर एक ऑर्गेनिज्म के आपका डिफरेंट है मुझसे मेरा डिफरेंट है मेरे सिबलिंग से बिकॉज फिंगर प्रिंट्स आर द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अब ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन कहाँ से आता है अब बच्चे आपका जो जीनोम है वो सिमिलर है इन अ वे मोर देन नाइन्टी परसेंट तो सिमिलर है जो बचा हुआ है जो डिफरेंसेस है वो बेसिकली आपका वी वाला पार्ट है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स जो कि टेंटिन्यूसली रिपीट होता रहता है यस हाँ जी कुछ तो गड़बड़ है यस <laughs> एवरीवन yes, तो देख अब हम रिवर्स चल रहे हैं क्वेश्चन हमने सॉल्व किया देखते हैं कि ये कहाँ लिखा है हमारी प्यारी एन माता में ये कहा लिखा हुआ है तो बच्चे अध्याय नंबर सिक्स पेज नंबर वन एवरीवन टू एवरी वन ओपन योर टी टी अध्याय नंबर सिक्स पेज नंबर वन टू दिस इज अबाउट योर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग वाला टेक्निक एवरी वन विद मी एवरी वन विद मी कंप्लीट फोकस ऑन द बोर्ड सिक्स अध्याय नंबर एंड पेज नंबर वन ट्वेंटी टू द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग यू हैव द यूनिक फिंगर प्रिंट हर किसी का यूनिक है फिंगर प्रिंट वॉज इनिशियली डेवलप्ड बाय जेफरी साहब जेफरी साहब ने बड़ी मेहनत से डेवलप किया डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को राइट 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 हाँ जी हाँ जी हाँ जी वापस आते हैं, वापस आते हैं। ये सैम की नजरें पूरी इसी चीज पे होंगी है ना सैम एकदम सैम ने अपने सुनने की इंटेंसिटी को बढ़ा दिया होगा कि ये क्या हुआ मैम किससे बात कर रही थी है ना है ना बच्चे यस yes, चलो चलो तो एलेक्फरी साहब ने फिंगर प्रिंटिंग को ईजाद किया उन्होंने ही यूज्ड ए सैटेलाइट डीएनए एज अ प्रॉप

ये देखो ये देखो फुल फोकस है इस चीज पे फुल फोकस तुम लोग की अगर फोकस की इंटेंसिटी बढ़ानी हो तो कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी होते रहनी चाहिए है ना ए चलाना बंद करना जैसे कि यस वी एन टी आर वेरी नंबर ऑफ टेंडर रिपीट्स कम ऑन एवरी वन दिस टेक्निक एज यूज अर्लियर इन्वॉल्व सदन ब्लॉटिंग हाइब्रोडाइजेशन यूजिंग रेडियो लेबल्ड वी एन टी आर एज ए प्रॉब सी फाइंड आउट कैसे किया जाता है आपको एक पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कैसे फाइंड आउट करा जाएगा मान लीजिए कोई भी प्लेस है जहां पे, ये देखो, सुना है जनता साफ जानती है कोई भी प्लेस है वापस आ जाओ बच्चों कम ऑन मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी घटित हुआ है कुछ भी क्राइम एक्स वाइजी है ना आ, लेट से मेरा मोबाइल चुरा करके कोई भाग गया है है ना तो अब जो भी सस्पेक्ट होता है उसका कुछ ना कुछ हिंट वो पीछे छोड़ देता है जैसे मान लीजिए मुझसे छीनने के चक्कर में उसका बाल टूट के नीचे गिर गया अब ऐसा तो है नहीं मैम बड़ा इजीली अपना मोबाइल दे, दे देंगी ले भाई तू जा दान में दिया बिल्कुल ही पूरी फाइट मारेंगी मैम पूरी फाइटर है है ना तो सामने वाले का मान लीजिए कुछ बाल का एक छोटा सा टुकड़ा नीचे गिर गया हेयर है ना तो अब उस हेयर में भी बच्चे उस हेयर में आपका डीएनए प्रेजेंट है उस इंडिविजुअल का जिसने चुराया है है ना अब उस डीएनए को पहले हम करेंगे एम्प्लीफाई एम्प्लीफाई करके मेरे पास में अबंडेंस ऑफ डीएनए प्रेजेंट है अबंडेंस ऑफ डीएनए हम्म राइट अब समझिए जो डीएनए मेरे पास आ चुका है उसको मैंने पहले उस हेयर वाले स्ट्रक्चर से आइसोलेट किया आइसोलेट करके मैंने उस पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को वर्क करवाया जो भी डीएनए है उसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते क्या है वो बेसिकली एक स्पेसिफिक साइट पे कट करते हैं नाव यू हैव अ डी उस आर ई एनजाइम ने कट किया तो वी हैव वेरियस फ्रेगमेंट्स वी हैव वेरियस फ्रेगमेंट्स जो फ्रेगमेंट्स हमारे बन चुके हैं उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस पे रन करवाया जाएगा अब मैम इलेक्ट्रोफोरेसिस पर पे रन कराने से होगा क्या वो अपने मोलिकुलर वेट अपने मोलिकुलर मास के बेसिस पे सेपरेट हो जाएंगे ये नेचुरल है जिसका साइज छोटा है आयत कर मैम रिपीट करो चल ठीक है वापस रिपीट करती हूँ वापस रिपीट करती हूँ मान लीजिए कोई भी वारदात कोई भी इंसिडेंट कोई भी या फिर मान लो तुम ये वंश कहता मैम मैं तो मेरे पिताश्री अंबानी जी है, है ना अंबानी जी कहते ना मैं तो नहीं हूँ भाई अब इन दोनों की फाइट में कौन जीतेगा वंश कहता है कि आप मेरे पिताश्री हो मैं तो आप आप मैं कुंभ के मेले में बिछड़ गया था पिताजी मेरे आप ही हो अंबानी कहते यार मेरे को तो प्रॉपर्टी अपने डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ जाएगी है ना तो अब अंबानी अंबानी क्या करेगा इसके फिंगरप्रिंट्स को फाइंड आउट करवाएगा कैसे करवाएगा वंश के डीएनए को लिया जाएगा आइसोलेट किया जाएगा आइसोलेट करने के बाद उसको आरई एनजाइम विच इज रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एनजाइम उससे कट करवाया जाएगा जब आपने डीएनए को कट करवाया आरई एनजाइम से तो उसके फ्रेगमेंट्स मिले है ना यस आयत ऑल राइट आज तक मैं इस कंफ्यूजन में थी wow, वाह बहुत बढ़िया नहीं नहीं अंजलि सोनी लॉटरी नहीं लगी है जानने के लिए पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा लॉटरी लगी या नहीं लगी है ना अब देखो अब वंश का डीएनए निकाल करके हमने क्या किया उसको आर एंजाइम से करवा दिया कट नाउ वी आर हैविंग है ना फ्रेगमेंट हैं अब जो फ्रेगमेंट्स है बच्चे उसको हमने किया सेपरेट किस पे इलेक्ट्रोफोरेसिस पे फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया बच्चों आइसोलेट कर लिया वंश का डीएनए आइसोलेशन हो गया डीएनए का सेकेंड स्टेप हमने क्या किया उसको डाइजेस्ट करवा दिया किसकी हेल्प से आर ई विच इज़ रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस न्यूक्लियस भी आपके दो टाइप के होते हैं एंडो एंड एक्जो न्यूक्लियस राइट एक्जो न्यूक्लियस कॉर्नर्स पे कट करेगा एंडो न्यूक्लियस बीच में कट करेगा बीच में कट करेगा ठीक है अब पूरे डीएनए को बीच बीच में कट कर दिया आपके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ने नाउ वी आर हैविंग वेरियस फ्रेगमेंट्स अब जो फ्रेगमेंट्स है उनको सेपरेट किया जाएगा कहाँ पे इलेक्ट्रोफोरिस पे इलेक्ट्रोफोरिस एक टेक्निक होती है सिंपल सा जिसमें एगरोज बेसिकली एगरोज इलेक्ट्रोफोरिस करा जाता है जिसमें आपका जेल होता है एंड उसमें छोटे छोटे से वेल well बने हुए होते हैं है, है ना एकदम छोटे जिसमें आप अपने फ्रेगमेंट्स को आ, ऐसे पिपेट की हेल्प से पोर करते हो है ना पोर किया उसके बाद होता है, क्या है इसका ओवरऑल मोटिव क्या है इसका मोटिव ये है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस वाली पूरी टेक्निक से आपके जो फ्रेगमेंट्स हैं वो सब सेपरेट हो जाते हैं सारे फ्रेगमेंट्स आपके सेपरेट हो जाते उस जेल के अंदर राइट एवरी राइट सेपरेट किस बेस पे साइज के बेस पे सेपरेट हो गए राइट right? तो नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चों हमने क्या किया सेपरेशन कर लिया फ्रेगमेंट्स का बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस अब सेपरेट तो हो गए अब क्या अब हम ये सारे के सारे फ्रेगमेंट्स को ट्रांसफर कर देते हैं टू अ मेम्ब्रेन जैसे कि नाइट्रोसेलुलोज़ या फिर नाइलोन की मेम्ब्रेन उस पर हमने कर दिया क्या ट्रांसफर कर दिया ट्रांसफर कर दिया हमने नाउ एक मेम्ब्रेन के ऊपर मेरे पास सारे फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट हैं मेम्ब्रेन पे सारे फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट है सिमिलरली हमने अंबानी साहब की भी सारी प्रोसेस कर ली डीएनए लिया उसको हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस तक रन करा करके वी हैव नाइट्रोसेलोस पे अंबानी साहब का एंड वन शर्मा का ठीक है अब हम क्या करेंगे इसकी मैच करवाएंगे कि, कि किसका फ्रेगमेंट कहाँ पे लाई कर रहा है राइट पहले हम क्या करेंगे इसको हाइब्रिडाइज करेंगे ंग लेबल्ड वी एन टी आर प्रॉब अंबानी साहब का लेट से अगर एक सेगमेंट में चार बार कोई न्यूक्लियोटाइड रिपीट होता है तो आई विल मैच दैट फोर टाइम्स वाला न्यूक्लियोटाइड टू वंश वाला फ्रेगमेंट ठीक है वंश वाला फ्रेगमेंट वंश एन वगैरह में आपके मुंह में घी चक्कर ऐसा हो गया तो फिफ्टी फिफ्टी है ना मैम को भूलना नहीं मैम को भूलना नहीं फिफ्टी फिफ्टी ठीक है चल चल सिक्सटी थर्टी कर लेना सिक्सटी फोर्टी वो भी ठीक है हा हाँ जी तो अब हमने क्या किया बच्चे वी एन टी आर को लिया उस लेबल्ड वी एन टी आर को हमने उस पर करा दिया है हाइब्रिडाइज हाइब्रिडाइज कराने के बाद अगर परफेक्ट हाइब्रिडाइजेशन हो गया मतलब अगर तो वंश अंबानी साहब का बच्चा है तो, तो देर विल बी परफेक्ट हाइब्रिडाइजेशन जहां जहां पे वी मुकेश अंबानी जी के डीएनए में प्रेजेंट है एग्जैक्टली वहीं पे ही वी या फिर मोरलेस सिमिलर वाला मतलब आपकी वी एन विल मैच टू द अंबानी वाले वी एन टी आर नॉट एग्जैक्टली सिमिलर बट यस वो दैट विल टेन टू मैच तो पैटर्नल फाइंडिंग करनी हो या फिर या फिर फोरेंसिक साइंस में कोई क्राइम सीन का पता लगाना हो योर वन स्टॉप सोल्यूशन इज डीएनए फिंगर प्रिंटिंग वन स्टॉप सोल्यूशन यस ये देखो ये देखो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है प्रॉपर्टी देख रहे हो ये होते हैं हाइट्स ऑफ पॉजिटिविटी अभी अभी कुछ प्रूव भी नहीं हुआ है हमारे वंश जिन्हें बांट दिया अपनी प्रॉपर्टी मैम फिफ्टी आप रखो टेन मेरे फ्रेंड्स रखेंगे टेन मेरे ये फ्रेंड्स रखेंगे बची हुई से मैं मैं साधु बन जाऊंगा है ना है ना तो बच्चों हाँ बिल्कुल यार पूरी बाये गुरु की सेना को मिलना चाहिए है ना पूरी बाये गुरु की सेना को मिलना चाहिए आया समझ समझ आया कि नहीं है? बताओ जल्दी से डिटेक्शन कैसे करेंगे वीएन को हाइब्रिडाइज कराने के बाद डिटेक्शन के लिए वी हैव ऑटो रेडियोग्राफी वी हैव ऑटो रेडियोग्राफी जिसपे हम डिटेक्ट कर लेंगे समझ आया बच्चों वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर वॉट फॉर एनी क्राइम सीन कुछ भी क्राइम सीन होता है पटर्नल फाइंडिंग करनी होती है उसके लिए कोई क्राइम सीन के लिए अगर आपको एक्चुअल में उस पर्सन का पता लगाना है तो वी हैव डी एन ए फिंगर प्रिंट जो कि यूनिक प्रॉपर्टी होती है हर एक ऑर्गेनिज्म की हर एक इंडिविजुअल की जितने भी बच्चे आप मेरी क्लास में हो सब सब में यूनिक डी एन ए फिंगर प्रिंट होगा यस yes, इसीलिए कितना ही पढ़ लिख जाओ सिग्नेचर से ज्यादा आपका फिंगर प्रिंट काम आता है बिकॉज दैट इज योर यूनिक आइडेंटिफिकेशन सिग्नेचर तो कोई भी आपका कॉपी कर सकता है बट आपका फिंगर प्रिंट कॉपी नहीं कर पाएगा कोई भी हाँ जी यस yes, बच्चो जल्दी बताओ ये क्लियर हो गया तो चले फिर कुछ सवालों के जवाब कुछ सवालों के जवाब मांगती मांगती है मैम आपसे ये देखो मुबारकबाद चालू हो चुकी है चलो बच्चों सवाल करते हैं कुछ 2014 अब तो समझा भी चुकी हूं अब इसके सवाल में फटाफट से सवाल का आंसर मिलना चाहिए मुझे आयत मैम वंश का एग्जाम्पल याद आ जाएगा है ना ऐसे ही रिलेट करना होता है ए अंजलि सोनी बच्चे सी जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होती है एक ही जाइगोट से मिलकर के बनी हुई है उसमें एग एंड है उसके सिमिलर होंगे उसके अलावा जो दो जाइगोट में बनी हुई ट्विंस है उसकी सिमिलर नहीं होंगे अंजलि सोनी सोनी जी हां जी आ जाओ फिर सवाल पे आ जाओ सारे बच्चे वंश अनु देखो फटाफट आंसर निकाल दिया भाई इसने खुशी है इसको वंश अंबानी बुलाया करेंगे अब इसको वंश अंबानी फटाफट आंसर निकाले इस बच्चे ने वेरी गुड नित्या यासमीन आथर डॉक्टर्स, डॉक्टर सिंह यार गलत कर रहा है। अंजलि हाँ अब सही है अब सही है नाफिसा वेरी वेरी गुड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी विच इज पी सी आर आपसे पूछा था एनालिसिस ऑफ क्रोमोसोमल डी एन ए यूजिंग सदन हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक डज नॉट यूज इलेक्ट्रोफोरसिस को यूज कर रहा था हाँ जी बिल्कुल ब्लॉटिंग भी हमने कर दी थी जी बिल्कुल ऑटो रेडियोग्राफी भी हमने करी है लास्ट में चेक कैसे करोगे रेडियोग्राफी की हेल्प से करोगे बट पी सी आर हमने नहीं किया था इनिशियली प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले ही अगर हमारा फ्रेगमेंट काफी स्मॉल है उस केस में यह जनरली आपकी क्राइम सीन्स में होता है उस केस के अंदर वी नीड पी सी आर टू एम्पलीफाई दैट डी एन ए वाला प्रोडक्ट हाँ जी करेक्ट आंसर बच्चों मेरे ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर आ जाओ अगले सवाल पे नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी फिफ्टीन ट्वेंटी फिफ्टीन अर्जुन तिवारी थैंक यू सो मच मेरे लाल थैंक यू वेरी मच यार आप बच्चों से ही तो हैं कंफ्यूज विथ टेक्नोलॉजी नॉट ए प्रॉब्लम आ जाओ जी अगले सवाल पे नेक्स्ट पे आ जाओ एनसीआरटी में अभी तो दिखाया यार वंश अभी तो दिखाया नेक्स्ट पे आओ 2015 का सवाल हाँ जी फटाफट फट्टावट फटावट नेक्स्ट पे आओ पीसीआर से आगे बढ़ो प्रियंका बी ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन आपसे क्या कहता है क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सैटेलाइट डीएनए इज इंपॉर्टेंट बिकॉज क्यों इंपॉर्टेंट है अभी एनसीईआरटी में मार्किंग करिए अभी अभी मार्किंग की है तुम बच्चों ने इट कॉर्ड्स फॉर प्रोटीन कैसे बात कर रहे हो यार कैसे बात करो सेटेलाइट डी एन ए कॉड्स फॉर प्रोटीन ना जी ना बिल्कुल नहीं नॉट कॉड फॉर प्रोटीन एंड इज सेम इन ऑल द द पॉपुलेशन अगर ये सभी में एक जैसा हुआ तो फिंगर प्रिंट तो कभी हमारे बन ही नहीं पाएंगे भाई फिंगरप्रिंट कैसे बना एक जैसा हुआ तो फिंगर प्रिंट यूनिक तो हो ही नहीं पाएगा है ना यूनिक तो हो ही नहीं पाएगा कॉर्ड फॉर एंजाइम नीडेड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन ना जीना अब समझो सैटेलाइट डीएनए होता क्या है इट शोज हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म वीएनटीआर याद करो वीएनटीआर वीएनटीआर इट शोज हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन पॉपुलेशन एंड आल्सो द सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन एन इंडिविजुअल व्हिच इज इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रन भाई पटर्नल फाइंडिंग तो ऐसे ही कर पाओगे रंजू नंदा देखो आज वंश के सारे सवाल सही है हवा में है ये लड़का अब इसको कोई शीत लहर माइनस टेन डिग्री कुछ भी नहीं फील हो रहा है इसको सिर्फ अंबानी 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 दिख रहा है इसने तो ख्याल बना लिए होंगे मैं जियो हथियार लूंगा है ना यस यस एवरी वन डन 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 सोपरकोल करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं वन मोर क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन हाँ जी बच्चे आपका भी करेक्ट हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इन डीएनए फिंगर प्रिंटिंग डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट इज पॉसिबल बाय जो हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट है मतलब सिंपली तुमको ये बताऊं जो लास्ट स्टेप था उसको याद कर लो लास्ट स्टेप क्या था जी फिंगर प्रिंटिंग का इलेक्ट्रोफोरेसिस था हाँ जी इलेक्ट्रोफोरेसिस था ब्लॉटिंग ऑटो रेडियोग्राफी या सेंट्रिफिकेशन आखरी आखिरी आखिरी पास्ता एक मूवी है ना वो आखिरी पास्ता बनता है जिसमें चंकी पांडे हां जी ब्लॉटिंग ऑटो रेडियोग्राफी ब्लॉटिंग डीएनए ग्रेट 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 लास्ट स्टेप क्या था जी लास्ट इज योर येडियोग्राफी जो हाइब्रिडाइज्ड डीएनए है उसको चेकआउट कैसे करोगे ऑटो रेडियोग्राफी पे ही तो करोगे बच्चों, है ना द करेक्ट आंसर इज ऑटो रेडियोग्राफी चलो फिर अगले सवाल पे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन एयर स्क्रीन सबका करेक्ट है अंजलि विजय चांदनी डॉक्टर जाहिदा लिकुस क्रिएशन डॉक्टर शबान अथॉर पवार, डॉक्टर शबान अगेन अर्जुन तिवारी गलत हुआ कोई बात नहीं आ जाओ नेक्स्ट पे नेक्स्ट पे आओ नेक्स्ट पे रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट आपके सामने दो स्टेटमेंट है बच्चों वन एंड टू एंड यू हैव टू फाइंड आउट विच वन इज करेक्ट विच वन इज इन करेक्ट हां जी विच वन इज करेक्ट विच वन इज इन करेक्ट हाँ जी सॉल्व करो बच्चों फटाफट पड़ से दो स्टेटमेंट आपके सामने यू हैव टू स्टेटमेंट्स सॉल्व इट बच्चों हाँ जी हाँ जी हाँ जी दोनों करेक्ट है दोनों करेक्ट है दोनों करेक्ट है दोनों करेक्ट बहुत आर करेक्ट चलो सुपर बहुत बढ़िया बच्चों क्वेश्चन की दो स्टेटमेंट्स है वन इज वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल अराइजेस ड्यू टू म्यूटेशन बिल्कुल सही स्टेटमेंट है जेनेटिक लेवल पे जो भी वेरिएशन होती है वो म्यूटेशन की वजह से आती है करेक्ट है स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर बी कहता है टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज़ इनिशियली डेवलप्ड बाय जेफरी साहब बाय जेफ्री साहब दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है यार ये तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट स्टेटमेंट हैं विच मीन्स द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट हेलो साई प्रियंका अर्जुन तिवारी अब्दुर इकरा बिल्कुल करेक्ट दोनों स्टेटमेंट्स आपकी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं चलो जी चलो फिर नेक्स्ट पे आओ नेक्स्ट पे जो है आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब ये करेक्ट होना चाहिए ये बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए बच्चों जो हमने सीक्वेंस अभी अभी पढ़ी है वंश का फिंगरप्रिंट फाइंड आउट करने वाली टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग डाइजेशन ऑफ डीएनए इज फॉलोड बाई डाइजेशन डाइजेशन सेकेंड स्टेप सेकेंड स्टेप पहला स्टेप था आइसोलेशन ऑफ डीएनए दूसरा था उसको डाइजेस्ट करना बाय रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस अब इसके बाद क्या होने वाला है दया पता लगाओ जल्दी से डाइजेस्ट करने के बाद क्या होने वाला है हाँ जी जल्दी 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 फटाफट फट्ट से बच्चे फटाफट फट्ट से इन द टेक्निक ऑफ़ डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग डाइजेशन ऑफ डी एन ए इज फॉलोड बाय रिफत खान अंजलि आथर साई योगेश वंश प्रिंसेस बहुत बहुत बहुत, बहुत अच्छे बच्चे इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है भाई पहला स्टेप तो था डीएनए को आइसोलेट करना दूसरा स्टेप था उसको डाइजेस्ट करके फ्रेगमेंट्स को प्रोड्यूस करना थर्ड स्टेप क्या था फ्रेगमेंट्स आने के बाद उन सारे फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करना बेस्ड अपॉन देयर मॉलिकुलर वेट राइट उससे नेक्स्ट स्टेप था बच्चे हाइब्रिडाइज़ करवाना उसको है ना फिर आपका ऑटो रेडियोग्राफी सिंपल सिंपल इलेक्ट्रोफोरेसिस, रंजु डॉक्टर जाहिदा अब्दुर चांदनी अजमल नाफिसा ग्रेट एवरी फातिमा ग्रेट ग्रेट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए विच इज इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉरिस चलो फिर नेक्स्ट पे आ जाओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग का है 2014 का सवाल है ज्ञान चक्षु पे थोड़ा सा जोर डालो सवाल का आंसर फाइंड आउट करो फिर एनसीआरटी फिर एनसीआरटी का लाइन आपको दिखाई जाएगी हाँ जी Commonly used uh, vectors for human genome sequencing are? Is it tDNA? Is it back and yak? Is it expression vectors? Is it cloning vectors? Commonly used vectors for human genome sequencing are? Dr. Shaban, very good, bache. Pura answer likho yaar. Pura answer. Yogesh Malhotra. Malhotra ji, shabash. राइट वे वेरी गुड नाफिसा बहुत अच्छे बच्चे कम ऑन एवरी वन कम ऑन बी एस सी वाई एस सी ये कौन सा बच्चा है भाई बी एस सी वाई एस सी क्या होता है हाँ जी द करेक्ट आंसर इज बैक एंड ये बैक इज बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम And this YAK is East Artificial Chromosome. Done, haji? Ma'am, NCRT ki line, NCRT ki line, adhai number 6, page number 122, everyone. नंबर पेज 122, क्या कहती है ऐसी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की आप बात करेंगे तो एंटायर ह्यूमन के जीनोम की सीक्वेंसिंग कर ली गई थी व्हाट इज सीक्वेंसिंग सीक्वेंसिंग ये होती है मेरे लाल जब मल्होत्रा जी आप श्रुति मल्होत्रा है वेरी गुड सीक्वेंसिंग ये होती है सी इनिशियली चैलेंज ये था कि भाई कोई भी डिज़ीज़ होता है वो जेनेटिक है या फिर कैसा कैसा भी डिज़ीज़ है उसको आप ठीक नहीं कर पा रहे थे तो अब उसको ठीक करने के लिए हमको थोड़ा प्रॉब्लम की रूट कॉज को फाइंड आउट करना पड़ेगा अब प्रॉब्लम की रूट कॉज है आपका डीएनए बिकॉज डीएनए ही आरएनए बनाएगा वही प्रोटीन बनाएगा तो ले दे करके हर चीज़ का भांडा फूट जाता है किस पे हमारे डीएनए पे डीएनए क्या है न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस है पूरी सीक्वेंस है हां जी पूरी सीक्वेंस है अनोनमस पर्सन यार मेरे पास ये पी वाला एन uh, सी है हो सकता है uh, जो बुक है उसमें माइट भी डिफरेंट बट ये साइट भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूं इसकी हां जी तो आई वॉज टू कि कोई भी डिजीज को फाइंड आउट करने के लिए अब डीएनए को सीक्वेंस करना जरूरी था मतलब कि न्यूक्लियोटाइड कहाँ पे प्रेजेंट है जैसे कि जैसे कि आपका लेट से वी हैव फोर क्रोमोसोम्स इन एन ऑर्गेनिज्म तो चारों क्रोमोसोम्स में कहाँ कहाँ पे कौन सा जीन प्रेजेंट है एंड उस जीन की सीक्वेंस क्या है मान लीजिए उस चार क्रोमोसोम में से क्रोमोसोम नंबर टू पे कोई जीन है जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रही है बार 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 जनरेशन में तो क्यों ना मैं उस क्रोमोसोम नंबर टू के उस जीन को कट कर दूँ रिप्लेस कर दूँ यार बायोटेक्नोलॉजी आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग सब कुछ ये सब कुछ सारी स्टडीज पॉसिबल तभी हो पाई है जब हमारा ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग सक्सेसफुल रहा है बिकॉज आप डीएनए की सीक्वेंस पूरी फाइंड आउट करना वाज़ अ वेरी ह्यूज टास्क बहुत बड़ा टास्क था पूरी सीक्वेंस को फाइंड आउट करना एंड ट्रस्ट में ये सीक्वेंस को फाइंड आउट करने की वजह से इतनी सारी चीजें सिम्प्लीफाई हो चुकी है इतने एक्सपेरिमेंट्स एकदम सिंप्लीफाई हो चुके हैं यस एवल तो इसके लिए इसके लिए आपकी एनसीआरटी लिखती है द क्लोनिंग रिजल्टेड इन टू एम्पलीफिकेशन ऑफ ईच पीस ऑफ डी एन ए फ्रेगमेंट सो दैट इट सबसिक्वेंटली कुड बी सीक्वेंस्ड विद ईज द कॉमनली यूज होस्ट वॉर बैक्टीरिया एंड ईस्ट एंड द वैक्टर्स वॉर बी ए सी विच इज बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड वी हैव वाई ए सी विच इज ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हाँ जी अब तो इजी हो गया अब तो इजी हो गया जाहिदा यार आपके एग्जाम में जाने से पहले इट इज अश्योरिटी कि आपका एक एक टॉपिक एक एक पॉइंट क्लियर होगा आपको नीट 2021 में अच्छी रैंक दिलाने के लिए जो भी चीजें आपके लिए अच्छी हैं चाहे वो क्वेश्चन हो टेन ईयर के चाहे वो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस हो चाहे वो एनसीआर टी रीडिंग हो चाहे वो चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ना क्यों ना हो एवरीथिंग वी विल डू एवरीथिंग वी विल डू राइट एवरी वॉन चलिए डन डन चलिए फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एवरी अगला सवाल थोड़ा सा यूनिक सा क्वेश्चन है ये ये प्रीवियस ईयर नहीं है ये बनाया हुआ क्वेश्चन है थोड़ा यूनिक क्वेश्चन था कि पूरे ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग में एक लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है अबाउट क्रोमोसोम नंबर वन इसको सॉल्व करो इस क्वेश्चन का आंसर ठीक करने में ज्ञान चक्षु पे काफी जोर डालना पड़ेगा मेरे बच्चों को काफी जोर डालना पड़ेगा ज्ञान चक्षु पे हां जी सॉल्व इट इनकरेक्ट बाय गुरु के बच्चे चला क्या खेल रहे एग्जामिनर चलाग क्या खेल रहा है एग्जामिनर इनकरेक्ट देखते ही करना क्या है अंडरलाइन क्रॉस मार्क बच्चे हमारे क्या है डबल चलाक बट स्टिल बट स्टिल ये क्वेश्चन आप गलत कर सकते हो आई एम प्रीटी श्योर सॉल्व करो अब मजा आएगा है ना मैम ने पढ़ा दिया क्वेश्चन सॉल्व कर लिया मजे वाली लाइफ है मजे वाली लाइफ अब आएगा मजा पहले तुम लोग सॉल्व करो फिर मैम पढ़ाएंगे आ उदय बच्चे आपका कंसर्न बिल्कुल अच्छा है कि मेंटी पे हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं बट द प्रॉब्लम विद द मेंटी इज कि जो उस टाइम पे लाइव बच्चे हैं वो तो उसको सॉल्व कर पाते हैं बट कुछ बच्चे जो उस टाइम पे लाइव नहीं आ पाते वो उसको नहीं सॉल्व कर पाते बाद में है ना तो इसीलिए उसको नॉर्मल उस पर रखा हुआ है ताकि आप उसको एंड टाइम एकदम लिमिटेड है टाइम लिमिटेड है उसमें भी ठीक है बिल्कुल सही सेम बिल्कुल सही बिल्कुल करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछी थी। 2007. 2007 हुई थी इट सीक्वेंस वॉज कंप्लीटेड इन मे टू जीरो जीरो सेवन में कंप्लीट हुई थी सीक्वेंस या 2006 में कंप्लीट हुई थी जानने के लिए हम देखेंगे अपनी एनसीईआरटी का पेज नंबर वन वन नाइन पेज नंबर अध्याय पेज नंबर जहां पे क्लियरली एनसीआरशन करती है कि द सीक्वेंस एनोटेटेड एंड असाइंड टू ईच क्रोमोसोम द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर वन एवरी वन घंटी बजा दो घंटी घंटी हो जाओ फटाफट से द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर वन वॉज कंप्लीटेड ओनली इन मे टू जीरो जीरो सिक्स चला के देखो, की। देखो में भी लिख दिया बच्चे हो जाएंगे कंफ्यूज में भी लिख दिया दो हजार दिमाग देख रहे हो तुम लोग एग्जामर का इसीलिए एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत जरूरी है क्रोमोसोम नंबर वन जो आपका लार्जेस्ट क्रोमोसोम है सीक्वेंस ऑफ वन वाज कंप्लीटेड इन टू सिक्स ये लास्ट था ट्वेंटी फोर ह्यूमन क्रोमोसोम्स का हां जी बताओ जी डन 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 चलो

ऐसी कितने लोकेशंस हैं जहां पे सिर्फ एक सिंगल बेस डिफरेंस काम करता है उदय मेरे लाल हम एक बार टेलीग्राम पे पॉल क्रिएट कर लेते हैं है ना टेलीग्राम पे पॉल क्रिएट कर लेते हैं डोंट वरी वी विल डू दैट है ना फिर सब बच्चों की ओपिनियन ले लेते हैं टेलीग्राम पे लेट्स सी जो चीजें यार आप बच्चों के लिए जो बेस्ट होगा वही करेंगे ना ऐसा कुछ नहीं है ठीक है यस सॉल्व करो सवाल को क्वेश्चन को सॉल्व करो बच्चों हाउ मेनी लोकेशन ह्यूमन जीनोम वेयर सिंगल बेस डिफरेंस अकर्स कितनी थी 4, examiner million, 1.4 एग्जामिनर देखो 1.4 मिलियन 14 मिलियन 1.4 बिलियन 14 बिलियन नाफिसा प्रियंका अलिना रंजू नंदा काव्या नित्य रानी विजय यादव चांदनी सुपर सुपर कूल कूल। डुपर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इज 1.4 मिलियन। मतलब याद तो है बच्चों को देखिए एनसीआर माता कहाँ लिखती है एनसीईआरटी माता कहाँ लिखती है एनसीईआरटी माता ने कहाँ जिक्र किया हुआ है अध्याय नंबर सिक्स एवरी वन पेज नंबर वन टू जीरो लेट सी scientists have identified about 1.4 million locations 1.4 million locations where single base difference snp which is a single nucleotide polymorphism vntr was your variable number of tandem repeats snp is your single nucleotide polymorphism 1.4 million 1.4 millions हाँ जी यस यस धीरज कह रहा है मैम अरे मेरे बच्चे अरे मेरे लाल एक बात बताओ यार पेज नंबर आपकी जो किताब है मैंने पीडीएफ जो ऑनलाइन पीडीएफ अवेलेबल है उसमें मार्किंग करी हुई है आपकी जो किताब है आप उसमें देख लीजिए अपना पेज नंबर आपके पास माइट भी जो बाइंडिंग uh, वाली बुक है उसमें पेज नंबर डिफरेंट होगा बच्चे आई ट्रूली अंडरस्टैंड दैट लेकिन ये पॉइंट कहाँ लिखा हुआ ये तो सबको पता है यार ह्यूमन जिनोम प्रोजेक्ट के जो नाइन पॉइंट्स मैंशन है उसमें से एक पॉइंट है ये यस yes? <laughs> yes? बताओ जी हम हमको परेशान ही ना करो मैम आप अब इतनी मेहनत कौन करे मैम एक और पेज पलटा के देखे मैम ने बोला वन ट्वेंटी तो वन ट्वेंटी पे ही देखा जाएगा हम क्यों एक भी पेज पलटाए मैम ठंड बहुत है देखो हाथ बाहर नहीं निकाला जा रहा कैसी बात कर रहे हो मैम है ना ये वाली स्टेज पे हो तो जाग जाओ चैंसेस होने वाले जाग जाओ डन 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 एवरी वन डन हाँ जी हाँ जी चलो फिर चले आगे चले आगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ नेक्स्ट पे आओ नेक्स्ट पे, नेक्स पे आओ चलो फटाफट से अभी तुम्हारी लेजीनेस में दूर करती हूँ है ना अभी दूर करती हूँ रुक जाओ तुम शाम को जब होगा ना टेस्ट मॉक टेस्ट जिसमें होगी सिट्टी पिट्टी गुल फिर पता चलेगा तुमको आओ जी नेक्स्ट पे आओ बच्चों, नेक्स्ट पे आओ बच्चों द फॉलोइंग डज नॉट कॉड फॉर एनी प्रोटीन ड नॉट इन चार ऑप्शन में से विच वन इज देर जो कि प्रोटीन को एक्सक्यूज <coughs> मी प्रोटीन को कोड नहीं करेगा हाँ जी बताओ जी यार उदय मेरे हिसाब से जो आप सभी बच्चों को अच्छा लगता है वो होना चाहिए आई रियली वॉन्ट कि आप अपने सभी फ्रेंड्स को भी बुला करके लेकर के आओ एक टफ कॉम्पिटिशन हो एक हेल्दी कॉम्पिटिशन पॉजिटिव वाला कॉम्पिटिशन हो उसमें ही मजा आएगा मैं चाहती हूं सबका सबका विकास हो सबका साथ सबका विकास हाँ जी डन 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 मोर देन वन ऑप्शन मोर देन वन ऑप्शन यार मोर देन वन ऑप्शन वाले बच्चों मुझे एक बात बताओ मोर देन वन ऑप्शन वाले बच्चों सुनो फटाफट से खिड़की दरवाजा जो भी दिख रहा है जल्दी से शीतलहर का एक झोंका लेकर के आओ मोर देन वन ऑप्शन वाले बच्चे जल्दी से शीतलहर का एक झोंका लेकर के आओ हाँ जी अब समझो अब समझो मोर देन वन मोर देन वन मोर देन वन बोला मैम जब करेक्ट ही था तो शीतलहर का झोंका क्यों दिलवाया आपने इसलिए एक्टिव रहोगे इसलिए ताकि एक्टिव रहेंगे बच्चे हमारे है ना है ना चलो ग्रेट करेक्ट आंसर इज आपका ऑप्शन नंबर फोर विच इज मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट डज नॉट कॉड पूछा हुआ है आपसे मतलब एक्जोन जो आपका कॉडिंग पार्ट है ये तो कोड करेगा प्रोटीन बनाएगा लेकिन इंट्रॉन वाले पार्ट तो आपके प्रोटीन नहीं बनाते हैं है ना इंट्रॉन वाले पार्ट तो आपके प्रोटीन नहीं बनाते आपके जो भी सेटेलाइट है माइक्रो हो चाहे मिनी हो ये आपके प्रोटीन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा इज ऑप्शन नंबर फोर विच इज मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट चलो अच्छा नेक्स्ट पे आ जाओ नेक्स्ट पे आओ आ डरा दिया आपने तो ये देखो अरे अच्छी बात है एक्टिव रहोगे यार एक्टिव रहोगे नेक्स्ट पे आओ नेक्स्ट पे अजमल आप आप को, आ, किस एरिया से बिलोंग करते हो तो प्लीज जल्दी से लिखो कमेंट में जल्दी से लिखो कमेंट में इन विच स्टेप ऑफ डीएनए प्रोफाइलिंग नाइट्रोसेलुल मेम्ब्रेन इज यूज्ड डीएनए प्रोफाइलिंग के किस स्टेप में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के किस स्टेप में नाइट्रोसेलुलोज़ मेम्ब्रेन या फिर एनसीआरटी ने नाइलॉन मेम्ब्रेन भी लिखा हुआ था एनसीआरटी ने दोनों लिखा था नाइलॉन मेम्ब्रेन इज यूज हां जी मुंबई से ऑल राइट बहुत अच्छे बच्चे आई एम सो हैप्पी टू सी कि मुंबई के बच्चे भी देख रहे हैं हमको ग्रेट वेरी 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 गुड एवरी वन ये तो अब सबका कनेक्ट हो चुका है द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड विच इज ब्लॉटिंग ग्रेट ग्रेट सोपर कोल सेम तेरा ओटो रेडियोग्राफी कैसे आया भाई इट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन कब यूज करोगे जब हाइब्रिडाइजेशन कराओगे कहाँ कराते हो ब्लॉटिंग वाले स्टेप में कराते हो वी एन टी आर से हाँ जी डन 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 यस चलो जी डान इसी के साथ में होता है ये चैप्टर का दी एंड करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर बच्चों नेक्स्ट चैप्टर हम इवोल्यूशन नहीं करेंगे रीजन बींग इवोल्यूशन हो सकता है वो हटा भी दिया जाए बिकॉज जो आपका सिलेबस रिडक्शन वाला पार्ट आया था उसमें इवोल्यूशन को हटा दिया गया था तो अब जैसे ही पोखरियाल साहब क्लैरिटी लाएंगे कि जो उन्होंने रिडक्शन वाला लॉन्च किया था क्या वो मान्य है नीट 2021 के लिए अगर आंसर होता है यस तो हमको अपना टाइम नहीं करना है वेस्ट इसीलिए नेक्स्ट चैप्टर हम जोअलॉजी वाला ह्यूमन हेल्थ वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे यस yes, सेवन मिस्टर एंटीक लॉट्स ऑफ लव टू योर मॉम फ्रॉम माय साइड लॉट्स ऑफ लव है ना यस yes? तो भाई रजाई में मूंगफली खाना करो बंद एंड एंड तैयारी कर लो आज इवनिंग में आपका मॉक टेस्ट होना है आई वांट एवरीवन टू बी देयर विद योर ब्लैंक शीट एंड अ पेन एंड एंड यस टेलीग्राम ग्रुप पे भी आपको पोस्ट करना है अपने सारे एक वंश ही है मेरा लाल जो एकदम सुपर वाला सिंसर है बाकी सारे बच्चे बस मूँगफलियाँ खाए जा रहे हो है ना मूँगफलियाँ खा रहे हैं तो आज शाम को ट्राई करना आप लोग कि सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं ठीक है बच्चों लॉर्ड्स ऑफ लव टू कश्मीर एज वेल थैंक यू वेरी मच शाम को मिलेंगे बच्चों पाँच बजे ऑनली ऑन एट बायोग्रुप बिना रव जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब कर लो या और फटाफट से अपने चैनल को आपका अपना ही चैनल है जो पुराने बच्चे हैं लाइक शेयर करते रहो एंड प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी इतना करते रहो ये एक कॉन्टीन्यूस एफर्ट्स हैं हमारी साइट से आपके लिए राइट right एवरीवान तो मिलेंगे हम शाम को पाँच बजे ब बाय टिल देन शब्बा खैर बी हैप्पी बबाए होमवर्क क्वेश्चन आज नहीं है क्योंकि चैप्टर हुआ है खत्म तो आप लोग कमेंट्स में ये लिख सकते हो कि यस चैप्टर में कितना तुमको मजा आया राइट right, चलो अगेन बाय शबा खैर बाय एवरीवन